हाँ नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट बेतालोक में। मैं अनिल मिश्रा। मित्रों, आपके अपने इस परिवार में सभी समस्त विद्वत संस्कृत विद्वत जनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि मालूम है कि अभी हाल में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा एक बहुत बड़ी वैकेंसी का आगाज किया गया है, और जो आपके एक शिक्षक बनने का एक सुनहरा अवसर है। संस्थान के द्वारा एक पुराना बैच चल रहा है, और आपके इसी सुविधा के लिए जो है कि एक बार पुनः जो है नए अवसर के लिए सभी जो प्रतियोगी हैं कि पुनः उसमें सहभागी हो सकें, इसके लिए संस्थान ने एक नया बैच स्टार्ट किया है। जो भी प्रतियोगी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, संस्थान का एक व्हाट्सएप नंबर है 83 82 95 56 94, एंट्री TGT PGT, सब्जेक्ट संस्कृत के माध्यम से आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। और यदि संस्थान से संबंधित विषय वस्तु से संबंधित यदि आपको और किसी समस्या का समाधान करना है, तो संस्थान के कुछ महत्वपूर्ण नंबर्स हैं, इन नंबरों पर आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें मित्रों, तो आपका ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, और हर प्रतियोगी के दिमाग में एक बात रहती है कि हम एक अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, और लक्ष्य में भी मित्रों सबसे बड़ी बात है शिक्षक पद को प्राप्त करना। 2021 जैसा कि मालूम है कि ये इतना सुनहरा अवसर है कि अभी तक चयन बोर्ड के इतिहास में इतनी बड़ी वैकेंसी का आगाज नहीं हुआ था। तो हम आप चाहे जिस रूप में, चाहे इतनी बड़ी वैकेंसी में यदि सम्मिलित होने का अवसर पाए हुए हैं, तो हर प्रतियोगी को जो है इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और शिक्षक के पद को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि एक चीज आप जानते हैं कि शिक्षक का पद बड़ा गरिमा का पद होता है, और शिक्षक के पद में कर्तव्यों का बहुत बड़ा बोध होता है। शिक्षक एक रोल मॉडल होता है जो किसी देश और समाज के लिए एक आधारशिला का निर्माण करता है। शिक्षक का इतना महत्वपूर्ण है रोल होता है, वह चरित्र और कर्तव्यों में से भरा है। इसलिए हम लोग सभी ये नए सुनहरे अवसर को, जो भी प्रतियोगी जो है भाग लेना चाहता है, वह इस सत्र को जो है शिक्षक सत्र के रूप में जरूर प्राप्त करें। रही बात मित्रों, हम लोग संस्कृत विषय वस्तु की जिम्मेदारी संस्थान ने मेरे ऊपर दी है, तो यहां पर एक चीज आप जान लीजिए, संस्कृत जो हमारा विषय वस्तु है, भाषा और साहित्य दोनों का इसमें योगदान है। संस्कृत विषय के शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चीज, तो एक चीज आप जान लीजिए कि एक बहुत बड़ा शुभ अवसर कि संस्कृत विषय का जो भी सिलेबस है इतना संक्षिप्त सिलेबस है कि थोड़ा सा हम आप सावधानी रखें तो इतने कम समय में अपने विषय वस्तु को कई बार तैयार कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आज इस क्लास में थोड़ा सा अपने विषय वस्तु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अंश को लेकर के हम लोग इस क्लास में उपस्थित हैं, और उस पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे। तो इसी बिंदु के तहत आपके ही सिलेबस से संबंधित एक बहुत बड़ी टॉपिक, ये आपकी टॉपिक है, और इस टॉपिक पर देखिए आपके सिलेबस से संबंधित है, और यह संस्कृत गद्य साहित्य का इतिहास का भाग है जो आपके सिलेबस में है। एक महत्वपूर्ण गद्यांश है कादंबरी,
और उसी कादंबरी का एक अंश आपके सिलेबस में रखा गया है जिसका नाम है सुकनासोपदेश। इसी सुकनासोपदेश पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए यह प्रसंग इतना महत्वपूर्ण है। बहुत छोटा सा अंश है, जैसा कि आपको मालूम है कि बाण भट्ट जी संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य विद्वानों में उनकी गिनती होती है। वो संस्कृत गद्य साहित्य के सम्राट बोले जाते हैं और उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कादंबरी ही मानी जाती है। और उसी कादंबरी का एक संक्षिप्त अंश जो आपके सिलेबस में रखा गया है उसी का ये अंश है सुकनासो उपदेश। सुकनास का उपदेश, आखिर प्रत्येक प्रतियोगी के दिमाग में एक बात जैसे ही सुकनासो उपदेश की आती है तैसे ही ये उनके मन मस्तिष्क में एक भाव उत्पन्न हो जाता है कि आखिर सुकनास जी ने चंद्रापीठ को क्या उपदेश दिया है, आखिर उपदेश का कारण क्या है। तो इसके पीछे थोड़ा सा एक कथानक है, उस कथानक को थोड़ा सा जान लिया जाए, इसके बाद हम लोग पूरे प्रसंग पर चर्चा करेंगे। कि देखिए, आप जैसा कि जानते हैं कि चंद्रापीठ के जो पिता हैं राजा तारापीठ हैं, जो उज्जैनी के राजा हैं, और तारापीठ के जो अमात्य हैं जिनका नाम सुकनास है, अर्थात वो उनके मंत्री हैं। एक दिन तारापीठ के मना मस्तिष्क में ऐसी बात आई, और बात क्या आई कि अब राजा किसको बनाया जाए, क्योंकि हमारे पुत्र चंद्रापीठ अब युवराज बनने के योग्य हो गए हैं, अब चंद्रापीठ को युवराज बना दिया जाए। और इसी प्रसंग पर सुकनास के माध्यम से जब वार्तालाप हुआ तो एक प्रसंग ऐसा आया कि युवराज बनने से पहले चंद्रापीठ को कुछ ऐसा ज्ञान दिया जाए कि जिससे राजा बनने के बाद एक सम्राट को कहां कहां गलतियां होती हैं, कहां कहां असावधानियां होती हैं, जिससे युवराज को हर तरह का ज्ञान संभव हो सके। और इसी अंश को लेने के लिए देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं कि इस प्रसंग में थोड़ी सी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे कि देखिए सुकनास, सुकनासो उपदेश, सुकनासो, सुकनासो उपदेश, ये आपका प्रसंग है। इसी में जो है उपदेश सुकनासो उपदेश दिया है, किसको दिया है। तो उपदेश तो दिया है, किसको दिया है, चंद्रापीठ को दिया है, चंद्रापीठ को दिया है। और उपदेश कौन दे रहा है, सुकनास दे रहे हैं। यह आपका बात। अब कह रहे हैं कि उपदेश जो दिया जा रहा है, सबसे पहले सुकनास कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि युवराज क्या है, युवराज हैं, चंद्रापीठ हैं। और जब व्यक्ति युवराज बनता है तो युवराज बनने के बाद सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि कहां आपको सावधानी बरतनी है। जब आप राजा हो जाएंगे तो निश्चित है आपके ऊपर राज लक्ष्मी का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। क्या पड़ेगा, कह रहे कि राज लक्ष्मी का जो है प्रभाव आपके ऊपर अवश्य पड़ेगा। इसी राज लक्ष्मी का जो प्रभाव एक राजा के ऊपर पड़ता है, इसी से आपको सावधानी बरतनी है। और यही शिक्षा सुकनास
अपने इस प्रकरण ग्रंथ में सुखनासो उपदेश में चंद्रापीठ को दे रहे हैं। तो आइए प्रसंग पर चर्चा करते हैं हम लोग। तो देखें प्रसंग है, कह रहे कि तात चंद्रापीठ, बहुत रोचक प्रसंग है। कह रहे कि तात चंद्रापीठ, देखिए कह रहे कि तात चंद्रापीठ विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते ना अल्प उपदेष्टम अस्ति केवलस्य निःसर्गत एव अभानुभेदस्य रत्नम आलोक छेद्यम प्रदीप प्रभापनेयम अतिगहनम तमो यौनम प्रभवम आपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः। कष्टम अज्ञन वर्ति साध्य अपरम ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम आशिशिर उपचार हार्यो अति तीव्रो दर्प दाह ज्वर उष्मः सतत मूल मंत्रस्य सम्यो विषमो विषय विष स्वाद मोहः नित्यम अस्नान शौच बाद्यम बलवान राग अवलेपः अजस्रम छपावसान प्रबोधः घोरहचा राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती। तो मित्रों बड़ा प्रसंग, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है और इसी के माध्यम से देखिए कैसी शिक्षा दी जा रही है, कैसा शिक्षा जो है इन्होंने दिया है। तो सबसे पहले देखिए एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग यहां है और एक ऐसे शब्द का प्रयोग है चंद्रापीठ के लिए, तात शब्द। क्या है इस तात शब्द का प्रयोग यहां पर किया गया है? कह रहे कि तात, तात का मतलब तात चंद्रापीठ, हे चंद्रापीठ। तात शब्द प्रयोग अपने श्रेष्ठ जनों के लिए प्रयुक्त होता था, पिता के भी लिए यह पद प्रयुक्त होता था, लेकिन यहां पर सुखनास जी ने इस तात शब्द का प्रयोग पुत्र चंद्रापीठ के लिए किया है। तो कह रहे कि तात चंद्रापीठ, हे चंद्रापीठ विदित वेदितव्यस्य, विदित मीन्स जानने योग्य जितनी भी बातें हैं सभी बातों को आपने जान लिया है। जानने योग्य जितनी भी बातें हैं सभी बातों को आपने जान लिया है। अधीत, अधीत सर्वशास्त्रस्य, सभी शास्त्रों का आपने अध्ययन कर लिया है, सभी विद्याओं का अध्ययन, 14 विद्याएं होती हैं। आपने देखा कि शास्त्रों की बात आती है, शास्त्र सभी शास्त्रों का अध्ययन आपने कर लिया, सभी पुराणों का आपने अध्ययन कर लिया है। तो कितनी मार्मिक बातें यहां पर कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि चंद्रापीठ एक योग्य व्यक्ति हैं, राजकुमार हैं, उनको जितनी बातें जाननी चाहिए सारी बातों को उन्होंने स्पष्ट रूप से जान लिया है। तो इसीलिए देखिए कितना महत्वपूर्ण संबोधन है कि हे चंद्रापीठ विदित वेदितव्यस्य, जो भी बातें जानने योग्य हैं उस बातों को आपने जान लिया है। अधीत सर्वशास्त्रस्य, सभी शास्त्रों का आपने अध्ययन कर लिया है। करें कि ते, बहुत महत्वपूर्ण, ते ना अल्प उपदेष्टव्यम अस्ति, ते ना अल्प उपदेष्टव्यम अस्ति। करें कि आतेव, आपको कुछ भी उपदेश देने योग्य विषय नहीं है, मतलब आपको अब कुछ बताने लायक बातें नहीं है। फिर कह रहे हैं कि केवलस्य, बहुत महत्वपूर्ण है, केवलस्य न वा पदांतस्य, देखिए बहुत बढ़िया इसमें संधि पूछी जाती है कि केवलस्य में आपने देखा कि वा पदांतस्य से मां को पंचमाक्षर आदेश कर दिया गया है, केवल धनचा। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है यहां से, कह रहे हैं कि केवल आपको बताना है तो क्या बताना है? यहां बता रहे हैं कि यौवन प्रभवम, इसी युवा अवस्था के ऊपर पड़ने वाला जो प्रभाव है,
यौवन प्रभवों को बताना है जो युवा अवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव है, उसी प्रभाव को बताना। आखिर भैया क्या प्रभाव है? कह रहे कि इस युवा अवस्था में जो उत्पन्न होने वाला अविवेक रूप अज्ञान है, उसी अज्ञान के बारे में बताना है कि यह अज्ञान कितना अंधकार युक्त होता है। इसी से आपको सावधान करना है। कह रहे कि यौवन प्रभवम, युवा अवस्था में उत्पन्न होने वाला अज्ञान रूप अंधकार कैसा होता है? कह रहे कि आ परिणामोपमो दारुणो लक्ष्मी मदा। कह रहे कि कैसे यह प्रभाव पड़ता है? कह रहे कि राजा हो जाते हैं तो राजा के पास राजलक्ष्मी आ जाती हैं, तो राजलक्ष्मी जब राजा के ऊपर प्रभाव डालती हैं, तो एक तो वैसे भी यह युवा अवस्था है, युवा अवस्था अविवेक युक्त होता है, तो इसीलिए कि आपको इस राजलक्ष्मी से सदैव सावधान रहना है, इसीलिए आपको हम यह उपदेश दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि क्या यौनम प्रभवम अपरिणामोपमो दारुणोह लक्ष्मी मदा है, ईवा अवस्था में जो उत्पन्न होने वाला राज लक्ष्मी का जो मद है, वह अंतिम अवस्था में भी समाप्त तो होने वाला नहीं है। अब देखिए इसका प्रभाव कह रहे हैं। कह रहे कि इस अयुवा अवस्था में जो अंधकार युक्त अज्ञानता होती है, वो कैसे दूर उसको नहीं किया जा सकता, इसीलिए आपको सावधान करना है। तो कह रहे कि निसर्गतः एव अभानुभेदस्य आलोक छेद्यम। आप देखते हैं ये सुकनासी की और बाण भट्ट की कला को यदि देखा जाए तो कितनी रोचक है। अज्ञानता अंधकार को दूर करने का साधन क्या है? कह रहे कि कोई भी अज्ञानता है, अज्ञानता रूप अंधकार है, उसकी कैसे अंधकार को प्रकाश से दूर किया जा सकता है? लेकिन कह रहे कि जो युवावस्था है, इस युवावस्था में जो अज्ञान रूप अंधकार उत्पन्न होता है, उसकी क्या स्थिति होती है? तो कह रहे कि अभानुभेदस्य आलोक छेद्यम। वह आलोक क्या होता है? प्रकाश होता भाई। कहीं अज्ञानता रहेगी, कहीं अंधकार रहेगा, तो उसको सूर्य के प्रकाश से हटाया जा सकता है। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं? कह रहे कि अभानुभेदस्य, उसे सूर्य का प्रकाश भी नहीं हटा सकता है। दूसरी चीज क्या कह रहे हैं? एक साधन तो आपको बता दिए कि भैया देखिए जो है इसे जो है सूर्य के प्रकाश से भी नहीं हटाया जा सकता है। आगे क्या कह रहे हैं? प्रदीप प्रभाप नेयम, जब सूर्य का प्रकाश नहीं हटा सकता है तो दूसरा साधन बता रहे हैं, भाई कहीं अंधकार होगा तो उसे दीपक के प्रकाश से वहां उजाला उत्पन्न किया जा सकता है। तो लेकिन यहां पर स्थिति क्या हो रही है? कह रहे कि प्रदीप प्रभापनेयम, दीपक का प्रकाश भी उसे समाप्त नहीं कर सकता है, नष्ट नहीं कर सकता है। किसको? इस युवा अवस्था में उत्पन्न होने वाला जो अज्ञान रूप अहंकार है, अपरिणामोपमो अति गहनम। कह रहे कि यह ऐसी अवस्था होती है कि अपरिणामोपमो दारुणो लक्ष्मी मदा, क्योंकि इस अवस्था में जो लक्ष्मी का मद होता है, जो लक्ष्मी का अहंकार होता है, वह अत्यंत दुर्दमनीय होता है। अब इसके प्रभाव की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जब लक्ष्मी राजा के पास आ जाती हैं तो क्या प्रभाव डालती हैं? थोड़ा सा इस पर भी जो है सुकनास जी उपदेशित करना चाहते हैं कि भाई देख लीजिए, अभी आप युवा हैं, अभी युवराज नहीं बने हैं, आपकी जो ये अवस्था है अभी यह उपदेश देने योग्य है। जब आप युवराज हो जाएंगे तो इन्हीं सब चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। कह रहे हैं क्या
कि देखिए सबसे पहले ऐश्वर्य की बात कहते हैं। जब व्यक्ति राजकुमार हो जाता है और राजकुमार बनने के बाद संपूर्ण राजपाट उसके हाथ में चला आता है, सारी संपत्ति सम्राट की हो जाती है, और यह ऐश्वर्य कैसे राजा के ऊपर प्रभाव डालता है, तो कह रहे हैं कि इससे भी थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। तो कह रहे हैं कि पहले इसी को देख लिया जाए। तो कह रहे कष्टम अजनि वर्त साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम। इसकी क्या स्थिति है भाई? कह रहे कि ऐश्वर्य के बारे में जो संपत्ति है, संपत्ति की जो गर्मी है इतनी विशद है, थोड़ा सा इसके बारे में तो हम लोग जान लें। कह रहे कि ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, इसमें ऐसा अंधापन है, इसमें इतना अज्ञानता है, इसमें इतना अहंकार अज्ञान अंधकार है, इस अंधकार की स्थिति देख रहे कैसी है। तो एक चीज यहां बता रहे हैं, कह रहे कि कष्टम अजन वर्ति साध्यम अपरम। देखिए एक सामान्य सी बातें हैं, कितनी मार्मिक उदाहरण यहां पर दिया गया है। अजन वर्ति साध्यम अपरम, और कंडीशन क्या है? आशिशिर, एक तिमिर रोग होता है जो आंखों में पाया जाता है, जिसको अंधापन कहते हैं। और कह रहे हैं कि उस अंधापन के निजात के लिए शीतल सलाकाओं का प्रयोग करके उस अंधेपन को दूर किया जा सकता है। लेकिन कह रहे हैं कि यहां जो राजा के पास जो ऐश्वर्य होता है, जो संपत्ति होती है, कह रहे हैं कि उस संपत्ति से जो अंधकार उत्पन्न होता है राजा को, कह रहे हैं कि ऐसी शीतल सलाकाओं से भी उसे दूर नहीं किया जा सकता है। उसमें ऐसी उष्मा होती है, ऐसी गर्मी होती है कि जिसे शीतल सलाकाओं से भी दूर नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। कह रहे कि विषय की बात होती है, विषय के बारे में अभी आप की अवस्था क्या है? अभी आप युवा हैं और इस अवस्था में, इस अवस्था का प्रभाव क्या होता है कि यह अवस्था हर वस्तु को, जितने भी वस्तुएं हैं, हर वस्तु को जो है प्राप्त करने की जो है इच्छा जो है इस अवस्था में होती है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है? कह रहे कि विषमो विषय विष स्वाद मोहा। कह रहे कि आशिशिर उपचार हारियो अति तीव्रो दाह ज्वर उष्मा सतत मूल मंत्रस्य सम्यो। ये जो विषय की वासनाएं हैं, जो विषय की को प्राप्त करने की इच्छाएं हैं, कह रहे कि इस इच्छा को कभी मूल मंत्रों के द्वारा, कभी औषधियों के द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकता है। इस विषय में आप देखिए, कहते कि मोह होता है, आपको किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो गई तो इस अवस्था में जब तक आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, इतनी इसमें संलिप्तता हो जाती है। तो यही चीज सुखनाथ जी का कहना है कि विषय से जो मोह होता है यह इतना अंधकार युक्त होता है, इसमें की कोई भी कारण कि ना तो इसे मंत्रों के द्वारा, ना तो इसे औषधियों के द्वारा दूर किया जा सकता है। आगे कह रहे हैं राग की बात है। देखिए एक तीसरी विषय वस्तु है राग। राग का मतलब आसक्ति। इस अवस्था में इस लक्ष्मी मद का एक तीसरा प्रभाव जो पड़ने वाला होता है वह आसक्ति होता है, वह राग होता है। कह रहे कि जो लगाव, जो प्रेम आपको विषय वस्तु से होता है, कह रहे कि उस पर एक ऐसा अवलेप होता है, कह रहे कि अवलेप जो मल होता है, उस मल को तो नित्य स्नान शौच वाद्य आदि के माध्यम से तो दूर किया जा सकता है, लेकिन इस युवा अवस्था में जो उत्पन्न होने वाला राग रूपी जो मल है उसे किससे,
कह रहे हैं कि नित्य स्नान शौच आदि से भी जो है दूर नहीं किया जा सकता है। और अंतिम लाइन की बात है, बहुत अच्छी बात है, कह रहे हैं कि अजस्रम निरंतर राज सुख की बात हो रही है। मित्रों बहुत अच्छी सी बात है, बार बार ये परीक्षा में पूछा जाता है, राज सुख सन्निपात निद्रा भवती, राज सुख है सन्निपात निद्रा भवती, यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे कि राज्य रूपी जो सुख है, भाई आप युवराज हो गए, युवराज होने के मतलब क्या हुआ कि आपके पास धन धान वैभव सब कुछ आपको प्राप्त हो गया। अब कह रहे राज्य सुख की स्थिति क्या है, कह रहे कि राज्य सुख में जागरण का कोई स्थान नहीं होता है। कह रहे कि राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती, जो राज्य रूपी सुख की निधि है उसमें निद्रा का कब अवसान होगा इसका कोई सा स्थान नहीं है, अर्थात निद्रा का समापन नहीं होगा। इत्यभि अवधीय से, इसीलिए हे चंद्रापीड, इसलिए आपको अवधीय से यह कहना है, यह बताना है। अब आप देखिए कितनी मार्मिक सी बातें हैं। आपने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, जितने भी विषय जानने योग्य हैं सारी विषयों का आपने अध्ययन कर लिया, कुछ आपको बताना नहीं है। इत्यब अवधीय से, जो बताने वाली बातें हैं वो क्या बातें थी, तो आपने बता दिया कि यौवन प्रभवन, यही बातें हैं कि युवा अवस्था में उत्पन्न होने वाला जो प्रभाव है और किसका प्रभाव पड़ता है। तो कह रहे हैं कि लक्ष्मी मदह, इसी लक्ष्मी मद को आपको बताना है। तो देखिए एक चीज है कि अब ये प्रसंग जो है, यहां एक दो प्रश्न है, बड़े अच्छे प्रश्न है, थोड़ा सा इसको जान लेना भी जरूरी है कि जैसे यौवन प्रभवन, यौनात प्रभवन सामासिक पद है, पंचमी तत्पुरुष समास से बड़ा अच्छा सा प्रश्न बनता है, आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरी चीज यहां पर लक्ष्मी मदह पद है, यह भी सामासिक पद है, आपसे पूछा जाता है, षष्ठी तत्पुरुष समास का बहुत अच्छा उदाहरण है। एक चीज देखें, सूक्ति की बातें हैं, इसमें बहुत महत्वपूर्ण सूक्तियां बनती हैं, यह लाइन बार बार पूछी जाती है। कह रहे कि यौवन प्रभवम अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदह, यह लाइन आपकी परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। और प्रबोध शब्द आया है, शाब्दिक अर्थ है, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, कई बार यह पूछा गया है कि प्रबोध मींस क्या होता है, प्रबोध मींस जागरण होता है। एक शब्दार्थ यहां पर बड़ा अच्छा, छापा, छापा मींस रात्रि, घोर निद्रा का अवसान, कि राज रूपी जो राज सुख होता है, यहां पर देखिए राज सुख सन्निपात निद्रा भवती, राज सुख है सन्निपात निद्रा भवती, कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। कह रहे कि राज सुख सन्निपात निद्रा भवती, राज सुख संजोग रूपी निद्रा ऐसी गहरी होती है जिसमें रात्र की समाप्ति होने पर भी जागरण नहीं है, जिसमें जागरण नहीं है, ऐसी बात इन्होंने बताई है, इसीलिए आपसे सविस्तार कह रहा हूं। तो इसी के साथ साथ आज की क्लास का यहीं पर समापन करते हैं, धन्यवाद।